नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार। साथियों, बिहार सरकार के द्वारा 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख देने का ऐलान किया गया है। इसकी मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, आखिर इसको जो 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा सही में मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किसको मिलेगा और इसका क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कैसे मिलेगा, पूरा प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार देगी 2-2 लाख रुपये, नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि राज्य में अगर SC ST है, OBC है, उसका आरक्षण भी बढ़ाने के पक्ष में है। हालांकि सभी को आरक्षण बढ़ा दिया गया है, मैं आरक्षण पे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे बात करूँगा 2-2 लाख रुपये के बारे में, जो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषित किया है उसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में गरीब परिवारों पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख देने के अलावा जमीन के लिए आवासहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 40,000 रुपये अधिक देने की योजना शामिल है। प्रदेश में यानी बिहार जो प्रदेश है, बिहार राज्य में 2,76,00,000 परिवार हैं। इनमें से 59.13% के पास पक्का मकान है, जबकि 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहते हैं। 63,850 परिवार आवासहीन हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों पक्ष सदनों में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हर साल 50 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। राज्य सरकार की इस योजना कार्य योजना बना रही है। विधानमंडल में ये इनका घोषणा किया गया है, आप लोगों ने सुना भी होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है कि इसके शिविर लगा करके इसका हम सभी को हम देंगे, जिसमें पहली बार जाति आधारित जो गणना किया गया है उसमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति से अवगत किया गया है। एक एक जाति, एक एक इलाके की जानकारी दी गई है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि राज्य सरकार के कार्यों का हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, खासकर महिला उत्थान में काफी काम हुआ है। महिला साक्षरता वृद्धि के बाद इन्होंने कहा है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। इन्होंने जो कहा है कि देखिए, जो गणना है ना, आर्थिक सर्वेक्षण सर्वे जो किया गया है रिपोर्ट, उसके बाद कहा गया कि 6,000 तक आय वाले 94 लाख से अधिक परिवारों को, यानी इनका जो 6,000 तक जो आय होगा ना उसी को मिलेगा, जो गरीब परिवार उसको हम मानेंगे जो 6,000 का आय लेकर के आएगा। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि 6,000 आय आप जब देंगे तो आपका रिजेक्ट मरेगा, क्योंकि 1,90,000 के आसपास आप जब फिलअप करेंगे, ऑनलाइन आवेदन देंगे, तब आपका पास होगा। अगर 6,000 का आप आय बनाने जाएंगे वहाँ पर रिजेक्ट मरेगा। इनका जो क्राइटेरिया रखा गया है कि 2-2 लाख रुपया हम उसको देंगे जो 6,000 आय वाले होंगे, और 6,000 वाले आय बनाने के लिए कंडीशन रखा गया है। जैसे मैं भी 59,000 का मैंने बनाया है, जो आती 900 यहाँ पर 6,000 है ना, 900 का। तो इसमें क्या है कि 6,000 का आप तक अगर आय बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई गरीब हो, असहाय हो, चाहे जो कोई मृत्यु प्रमाण पत्र वाला जो अगर हो सकता है, किसी का हस्बैंड अगर मर गया है तो मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ दीजिएगा, तब आपका होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इस BPL APL जो होता है ना, तो उसी के आधार पर जो गरीब परिवार में होता है उसी को बनेगा। यूँ इनका कहना है, यहाँ पे हर जो अखबार होगा वहाँ पे दिया गया है कि 6,000 आय वाले को ही 94 लाख परिवार होगा, हम उसी में से हम 2-2 लाख रुपया हम उसको देंगे। तो जो 94 लाख जो सेलेक्ट किया जाएगा तो 6,000 आय वाले को दिया जाएगा, इसी में मैं जोर दे रहा हूँ, है ना। हम भी इसमें बहुत खुश हो रहे थे कि चलो भाई, 94 लाख परिवार तो बहुत है, इसमें 2-2 लाख मिलेगा तो बड़ी अच्छी बात होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रख दिया गया है कि 6,000 का जो आय होगा हम उसी को देंगे, अन्यथा हम नहीं देंगे, वही यहाँ पे बताया गया है। और भी आगे यहाँ पर देखा जाए, जो भूमि प्रति परिवार 60,000 के बदले 1 लाख रुपया दिया जाएगा, वो तो अलग बात है,
लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है 6000 तक आय वाले, यहाँ पर देखा जाए यही बताया गया कि 6000 तक आय वाले को ही यहाँ पे जो 94 लाख परिवार है उसको 2-2 लाख रुपया की घोषणा किया गया है। तो पहले आप जाएं आरटीपीएस में, हर ब्लॉक में होता है आरटीपीएस होता है। अब इसमें क्या है कि आरटीपीएस में जाएं, वहाँ पे कहें कि सर 6000 का आय बनाने के लिए क्या कंडीशन रखा गया है, तो 6000 का आप आय लेकर के जाएंगे तभी आपको 2-2 लाख रुपया मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और इसका अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है, इसका जो नीतीश कुमार ने जो अनाउंसमेंट किया गया है उनका कहना है हम शिविर लगा करके हम इसका हम सभी को हम देंगे। तो यही है, और भी विशेष जानकारी के लिए मैं आपको अगली वीडियो में मैं लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी और टी।